गाड़ी का ड्राइवर कहाँ भाग गया? अबे वो गाड़ी गाड़ी कौन सी गाड़ी? अबे अबे बुड्ढे की गाड़ी। गाड़ी का नंबर प्लेट देखा किसी ने? नहीं सर, वो इतनी तेजी से गई कि, पर हाँ गाड़ी में कोई नहीं था। मतलब? मतलब ये कि गाड़ी अपने आप चल रही थी बिना ड्राइवर के। गाड़ी का नंबर प्लेट तो तुम्हें दिखा नहीं, और गाड़ी के अंदर कोई नहीं है ये तुम्हें दिख गया। कौन सी गाड़ी थी? कोई नहीं, सफेद रंग की गाड़ी थी, असली सफेद रंग की। बस ये तो पुरानी गाड़ी है, ये तो मिल जाएगा। सम खाता हूँ आज के बाद फैनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ क्या, उंगली भी नहीं लगाऊंगा। उफ सर यार, वहां जो ब्लैक मॉरिस खड़ी है तुम्हारी है क्या? नहीं आया हुआ लगता है गोवा में। अरे इकलौती गाड़ी है पूरे गोवा में। समझ रहे हो? तब तो तू गया। मैंने किया क्या है? तारू पीकर उस लड़के को उड़ाया, फिर वहां से भाग गया और मुझसे पूछता है किया क्या है। I'm sorry, इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कसम खाई आज के बाद बिल्कुल दारू नहीं पीऊंगा। एक मिनट। थैंक यू। एक मिनट। मैंने किसको उड़ाया? ये क्या है? ये डेंट? हाँ ये कल रात में आएगा। फैनी बहुत चढ़ गई थी तो वो बिजली के खंभे में ठोक दिया। सॉरी। ये देख, ये क्या है? ये कपड़े का टुकड़ा है, लाल रंग लगा हुआ है। ये रंग नहीं, खून है। और ये कपड़े का टुकड़ा नहीं, उस लड़के के टी शर्ट का टुकड़ा है जो तेरी टायर से मिला है। आप इंस्पेक्टर, आप देखो, मैं चलता हूँ घर। मारिया रुक, मुझे अभी असली घर लेके चल। अरे लेकिन अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो, ये गलत बात है। सर, गोवा से फोन आया था, चिलमिल चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? कोई एक्सीडेंट केस है सर। चाचा का कहना है कि वो बेगुनाह है।
कितनी बार कहा तेरे चाचा को शराब पी के गाड़ी मत चला, लेकिन सुनेगा नहीं। अगली फ्लाइट कितने बजे की? 3 घंटे बाद। निखिल, पेपर पढ़ा सेवियो के बारे में? हाँ, वही गाड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि, पर अभी पता चला कि वो कार किसी और की है। अच्छा, पर इतना बड़ा इत्तेफाक छोड़ना। अच्छा ये बता, कल तू पार्टी में क्यों नहीं आया? काम था, कोई फैमिली प्रॉब्लम। कुछ हुआ तो नहीं रहा है मुझसे? मुझे झिलमिल की गाड़ी किसी भी कीमत पे चाहिए। जी सर, मुझे वो कार किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उस कार की कीमत है, किसी और कार की नहीं। लेकिन वाद सर, अब तो हमारे लिए सब आसान है, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही झिलमिल अंदर जाएगा ना, केस खत्म, और फिर तो हमारा रास्ता साफ। इतना आसान नहीं है। सुना है उसका केस लड़ने द ग्रेट केडी पाठक मुंबई से आया। दोस्त है ना, तब तो हर हाल में आप उस खूनी को बचा लेंगे। इतने बड़े आदमी तक उसकी पहुंच जो है। इंस्पेक्टर सलगांव कर, पहुंच किसी की कहीं तक भी हो, अपराधी के अंत में एक ही जगह होती है, जेल। और केडी पाठक कभी अपराधी का साथ नहीं देता, चाहे वो उसका मित्र क्यों नहीं हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पहले मुझे पता तो करने दीजिए झिलमिल ने किया क्या है। आपको आपत्ति में हो तो मिल लूं सर। यस श्योर, किस तरह? साला, उम्र कैद या फांसी का तो पता नहीं, लेकिन डेंगू से जरूर मर जाऊंगा मैं यार। साला खच्चर के साइज के तो मच्छर है यार। काटा मच्छर। अरे मेरे बच्चे, इतने दिनों के बाद मिले भी तो ऐसे। केडी मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया यार। कुछ तो किया होगा तूने जो यहाँ तक पहुँचा। बता, यहाँ पहुँचा कैसे? मैं अपने एक दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहा था। 2-4 ड्रिंक ज्यादा हो गई। उधर घर आके मैं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा था, रिवर्स गियर लगाने की जगह फर्स्ट गियर लग गया और धड़ाम से बिजली के खंभे। फिर मैं किसी तरह गाड़ी वापस पार्क किया और अपनी सूजी हुई आंख लेकर बीच में जाकर लेट गया। और दूसरे दिन सुबह उठ करके मैं अपनी सूजी हुई आंख सेंक रहा था कि पुलिस वाले आए और मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि मैंने किसी सेवियो नाम के लड़के को उड़ा दिया हूँ पंजिम रोड पे। जिलमिल, कितनी बार तुझे बोला है ये शराब की लत छोड़ दे, और शराब पीकर गाड़ी तो मत चलाया कर। कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। अब जज जो सजा तुझे देगा तुझे भुगतना पड़ेगा। कान पर तो यार, मैं मानता हूँ मैंने शराब ज्यादा पी ली थी, लेकिन इतना तो याद है मुझे केडी की, मैंने किसी को मारा नहीं यार। तो उस रात तो पंजिम रोड पे? नहीं यार, पंजिम रोड पे नहीं, पार्टी तो पैलोलम साइड में थी, और मेरी गाड़ी तो 4 दिनों से पंजिम रोड पे गई नहीं। हो सकता है पुलिस से गलती हुई, दूसरी गाड़ी। नहीं सर, पुलिस का कहना है कि गोवा में सिर्फ ऐसी एक ही गाड़ी है, चाचा जी की। प्लीज यार देख, मेरे मुझे दिल पे बहुत भरोसा है। केडी मैं तेरा दोस्त हूँ यार, देख प्लीज मुझे निकाल ले यार यहाँ से।
तुमने पढ़ा वो सैवियो को डेड ने मार डाला? मार डाला, अच्छा किया। हाँ पढ़ा, सैवियो को डैड ने नहीं किसी और ने मारा है। तुम जाओ अपने कमरे में, हमारी दवा का टाइम हो गया, मैं एनसी को भेजता हूँ। नहीं अरे डैड ने कहा था कि डैड मर चुके हैं, समझे? और तुम क्यों पड़ी हो इन सब में? नहीं डैड ने बोला था। तुम इन सब में क्यों पड़ी हो? नैंसी, नैंसी लेकर जाओ इसे। अरे डैड ने कहा था। ये देखिए यहाँ डेंट है, और हमें उस लड़के के टी शर्ट का टुकड़ा भी इसी गाड़ी के टायर के पास से मिला। मतलब साफ है कि उस लड़के को आपके दोस्त ने मारा, और वैसे भी उसने इतनी दारू पी रखी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था। गाड़ी का ऑयल पाइप लीक हो रहा है, इसका ये अर्थ होता है कि जिस स्थान पर सावियों का अपघात हुआ वहां भी ऑयल मिलना चाहिए था। मिला आपको? हाँ, देखा तो नहीं। चलो देखते हैं। सर, इस पूरे रोड पर आधे किलोमीटर तक तेल का कोई निशान नहीं। तेल का निशान नहीं तो फिर हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि वो गाड़ी नहीं कोई दूसरी गाड़ी थी। हो सकता है तेल बाद में लीक हुआ, मेरा मतलब है यहाँ से जाने के बाद। लेकिन लेकिन वो लड़का तो बाइक पे था, तो उसकी लाश यहाँ पर और बाइक दो सड़क छोड़कर बीच गली में, मतलब ये कैसे संभव? ये तो वो लड़का ही बता सकता था। झिलमिल का कहना है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी बिजली के खंभे के साथ हुआ। बिजली का खंभा? देखना चाहेंगे आप उस खंभे को? ये यहाँ से करेक्ट है, इसका मतलब झिलमिल सही कह रहा है। ये डेंट झिलमिल की गाड़ी का नहीं, एक बस का है जो आज सुबह रिवर्स करते वक्त इसे टकरा गया था। ये देखिए बस की टूटी हुई लाइट्स। अब आपको यकीन हुआ कि आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है? चलो बोल। हाँ सर, सर उस खंभे का ऐसा टक्कर मारी ना कि उसके अगले पिछले सब गोल हो गए। पीजिए केडी साहब, देखिए मेरी बात मानिए, आराम से गोवा घूमिए और घर वापस जाइए। इसके अलावा आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हिट एंड रन का केस है, क्या कर पाएंगे आप? क्यों, सफेद कलर की विंटेज वोल्सली गोवा में एक ही है। हाँ इसीलिए तो मैंने आपके दोस्त को पकड़ा है। ऐसा है नहीं इंस्पेक्टर सलगांव का, आरटीओ की सूची के अनुसार ये देखिए एक और गाड़ी है हूबहू वैसी। हाँ जानता हूँ, पढ़ा है मैंने, किसी जेम्स रिक्वेरा की है। लेकिन उसके मरने के बाद उसके फैमिली वालों ने उस गाड़ी को इटालियन टूरिस्ट को बेच दिया था। हाँ ये देखिए एंटोनियो बेगंजा। अब वो गाड़ी इटली से तो यहाँ नहीं आई होगी ना केडी साहब, सेवियो को मारने के लिए। आपको आपत्ति न हो तो मैं ये रख लूँ? रख लीजिए। जेम्स इक्वेरा कहाँ रहता है? यस, जेम्स इक्वेरा के बेटे आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, एरिक से कह रहा, बोलिए। कुछ बात करनी थी आपसे।
ये देखिए, ये उस मनहूस कार के ट्रांसफर पेपर्स है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उस कार को मैंने उस इटालियन को बेच दिया। अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस इटालियन से पूछ लीजिए, उससे ना। आपसे एक प्रश्न पूछूं, इतनी नफरत क्यों है आपको इस गाड़ी से? लगता है आपको मेरे डैड के केस के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी डेथ इस कार की वजह से ही हुई। अगर वो इस कार को पहले बेच देते तो आज वो जिंदा होते, पर नहीं, वो कार उनके लिए उनकी असली औलाद से भी बढ़कर थी, उससे ज्यादा प्यारी। उन्होंने तो उसका नाम भी रखा था कि जैसे वो गाड़ी नहीं कोई लड़की। लोला, हाँ मेरी प्यारी लोला, वाह माय डार्लिंग लोला, गोवा की शान और हमारे दिल की जान। मेरी लोला को किसी की बुरी नजर न लग जाए। चश्मे बद्दू। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए थे? अब नहीं, कुछ नहीं। क्षमा चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई? आप छोड़िए ये सब, इससे आपको क्या लेने देना? मेरे लिए तो इतना ही काफी, वो मंजूस कार अब मेरे पास नहीं। नाउ इफ यू लेट मी गो, मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। वैसे ये जो चित्र है, मैं आपके पिताजी? जी, थैंक यू सो मच। किसी को बताना मत, सेवियो है ना, सेवियो को डैडी ने मारा है। डैडी ने? कैसे? वो लोला है ना, उसमें डैडी का भूत है। सुजन! लगा था स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। जाओ अपने कमरे में, शाम को विंसेंट के घर जाना है क्या? नहीं नैन्सी, वो एक्चुअली ये मेरी बहन है, डैड की डेथ के बाद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए इसकी शादी करवा कर इसे यहां से भेजना चाहता हूँ। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके, थैंक्स। सर, जेम्स एक्वेरा का केस की फाइल, उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इस समय तो कोई ताल्लुक नहीं है वरुण, वही देख रहा हूं, हो सकता है कोई संबंध निकले। जाकर गाड़ी के अंदर।
इसका ड्राइवर नहीं है। पुट्टा मुझे मार देगा पहले मुझे, फिर तुझे और मार को, जैसे सेबियो को मारा। कौन बुढ़ा? जेम्स, उसे देखा गाड़ी पे। तू पागल हो गया है। अबे तूने तो मुझे बोला था कि जिस गाड़ी से सेबियो को उड़ाया था वो कोई और गाड़ी थी, और वो गाड़ी भी पुलिस के पास है। तो वो गाड़ी कौन सी थी? मुझे क्या पता कौन था, कौन गाड़ी में दिखा नहीं। पर तू कहाँ था? तू तो आधा घंटा पहले मुझसे मिलने वाला था ना, और आंटी मेरे को बोली कि तू कब्रिस्तान गया। दादी के ग्रेव पे नहीं जा सकता क्या? फूल चढ़ाने कब्रिस्तान। यार केडी, मुझे बचा तूने का ना, मैं बाप की कसम खा के कहता हूँ, आज से शराब पी कर तो क्या, बिना शराब के भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बस छोड़ दिया से मुझे। गाड़ी चलाना छोड़ देगा, शराब नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों छोड़ दूंगा। गाड़ी केडी, मिस अनीता डिसूजा, व्हाट अ सरप्राइज। सुना तो था मैंने कि मिस्टर झिलमिल जवेरी का केस तुम लड़ रहे, लेकिन यकीन नहीं हुआ। The great KD Pathak, हमारे गोवा में। Obviously, तुम prosecute कर रही हो। But you know what, KD? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जब तुम ये केस हैंडल कर रहे हो तो मुझे तो हारना ही पड़ेगा। मैं तो केस शुरू होने से पहले ही हार गई। मिस्टर जवेरी, congratulations in advance। अब ये केस तो आप ही जीतेंगे, क्योंकि ये जो भी केस लेते हैं वो जीत ही जाते हैं, और क्योंकि ये आपका केस हैंडल कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप 100% बेगुनाह ही होंगे। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? पुरानी पहचान है। ओ, तब तो हम लोग लकी हैं यार, अपने साइड में है ये तो। लकी नहीं तो अनलकी है। मतलब ये बहुत तेज चीज है, जो बोलती है उसका उल्टा ही करती है। क्या बात कर? जज साहब बता रहे हैं, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, 23 दिसंबर की रात मिस्टर झिलमिल जवेरी अपने दोस्त की पार्टी से फेनी के नशे में खुद अपनी गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहे थे, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है। anyway, ये नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि इन्हें रास्ते के बीच चलते हुए मिस्टर सेबियो फरेरा नजर ही नहीं आया, और उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया और वो वहां से फरार भी हो गए। योर ऑनर, दो आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार मिस्टर झिलमिल की गाड़ी, जो कि एक सफेद रंग की वॉल्सली विंटेज कार है, उसे उन लोगों ने देखा। और एक और बात, ये पूरे गोवा में एक लौती गाड़ी है। और यही नहीं, जब पुलिस को ये गाड़ी मिस्टर झिलमिल के घर के बाहर मिली तो उसका फेंडर टूटा हुआ और उसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ जो पूरी तरह से खून से सना हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है कि ये कपड़ा सेबियो की टी शर्ट का ही था और ये खून भी सेबियो का ही। हिट, किल एंड रन। ऑर्डर, ऑर्डर। सर, वो झिलमिल, और कोई एविडेंस है इनके खिलाफ? यस योर ऑनर, रैश ड्राइविंग के
पहले से ही मिस्टर झवेरी पर 4 केसेस दर्ज हैं, जहां पुलिस ने इन्हें 2 बार सिग्नल तोड़ने पर, 1 बार स्पीड लिमिट तोड़ने पर और 1 बार नो एंट्री में घुसने पर चलान काटा। ये सारे उनके प्रूफ है सब। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि जब मिस्टर झवेरी सोबर हालत में इतने गैर जिम्मेदार ड्राइवर हो सकते हैं, तो आप ही बताइए कि वो नशे में क्या होंगे। करेक्ट। सैवियो को उड़ाने के बाद जब इनका नशा उतरा, तो पता है इन्होंने सबसे पहले क्या किया? भागने की तैयारी की। इन्होंने उसी शाम का केरला का एक टिकट बुक करवाया। हाँ, ये सही है मिलॉर्ड, मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है वहाँ, और मैं भाग नहीं रहा था। मैं मानता हूँ मिलॉर्ड कि मैं बहुत बुरी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। Really? तो फिर आप बता सकते हैं कि उस दिन आप क्या नशे में थे? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं आज से कान पकड़ता हूँ कि आइंदा कभी। अपने कान बाद में पकड़िएगा, पहले हम आपका जुर्म तो पकड़ लें। ठीक है, ये बताइए, उस दिन पार्टी के बाद आप कहीं रुके थे? मैं सीधा घर ही आया था। आप कहीं भी नहीं रुके? नहीं, याद नहीं है, पर नहीं। ऑलराइट, पलोलम रोड के कोस्ता पेट्रोल पंप से जो 2000 का इन्होंने पेट्रोल भराया था, ये उसकी रिसीट है। और इस पर आप ही की गाड़ी का नंबर और समय लिखा हुआ। हाँ, शायद मैं पार्टी से निकलने के बाद मैंने पेट्रोल भरवाया। आपको तो ये तक याद नहीं कि उस दिन पार्टी से निकलने के बाद आपने पेट्रोल भरवाया था, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपसे किसी का खून हो गया? आपको पता भी है आप नशे में कितने धुत थे। बट हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये भी हो सकता है कि हमारे मिस्टर जिलमिल झवेरी बिल्कुल बेगुनाह हो। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डिफेंड करने ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे वन एंड ओनली मिस्टर पाठक जो यहाँ है। एंड वी ऑल नो कि मिस्टर पाठक तो कभी गलत होते ही नहीं। इसका मतलब हम सब गलत हैं, पूरी गोवा पुलिस, मैं, आप, हम सब गलत हैं। एक काम करते हैं, हम सारे ना अपने हथियार गिरा ही देते हैं। तो इंस्पेक्टर सलगांवकर, सही कहा ना? अपने हथियार अपने पास ही रखिए मिस्टर सूजा, मैं तो बस। सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे कुछ याद आया, क्या मिस्टर झिलमिल झवेरी आपके बहुत ही गहरे, करेक्शन, बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं, है ना? हाँ हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इट्स ओके, प्लीज सफाई मत दीजिए, हम सब यहाँ पर बहुत ही समझदार लोग हैं, है ना? हम समझते हैं इस बात को, दोस्त होते हैं, इसमें क्या बुराई है? सो प्लीज प्रोसीड। कौन मिस्टर पाठक? मेरे पास पूरा दिन नहीं है, ये केस आपके लिए छोटा होगा, हमारे लिए नहीं। योर ऑनर, छोटा केस तो मेरे लिए भी नहीं। अभी मिस डिसूजा ने बताया कि झिलमिल झवेरी मेरे पुराने और घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे मित्र अगर कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अदालत का ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मिस डिसूजा का आरोप कि मेरे मोक्किल झिलमिल झवेरी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई और एक युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। योर ऑनर, ये महज एक हादसा था, क्योंकि हादसा लीडिंग टू डेथ। हादसा नेवरदलेस, मिस्टर सूजा, और हादसा योर ऑनर जो जानबूझकर नहीं किया गया। एक और विचित्र बात, जिस स्थान से सावियो का मृत शरीर पाया गया, वहां से 2 गली छोड़कर सड़क के बीचों बीच उसकी बाइक पार्क मिली। योर ऑनर, वो सावियो का ज्याती मामला है, उसका इस केस से क्या लेना देना? वो चाहे अपनी बाइक को सड़क के बीच में पार्क करे या किसी पेमेंट पर, हाउ डज इट मैटर? आपको नहीं लगता मिस्टर सूजा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक पार्क कर देता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा? और कारण था योर ऑनर। योर ऑनर, उस सड़क से लगे जंगली इलाके में सावियो के पैरों के निशान पाए गए और साथ में लगे हुए गाड़ी के टायर के निशान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गाड़ी सावियो का पीछा कर रही थी। मिस्टर झवेरी की गाड़ी, मिस्टर पाठक, मिस्टर झवेरी की, क्योंकि टायर मार्क्स भी मैच करते हैं। नहीं यार मिस्टर सूजा, अब आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? पहले आपने कहा अपनी दलील में कि नशे की धुत हालत में मेरे मोक्किल गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने सावियो को देखा नहीं और गाड़ी चढ़ा दी उन पर।
अब आप कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल गाड़ी में बैठे सावियो का पीछा किया और फिर जाके दो सड़क दूर उस पर गाड़ी चढ़ाई, उसकी हत्या की? हो सकता है, पॉसिबल है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि जिलमिल जवेरी सावियो को जानते ही नहीं थे, फिर उनकी हत्या क्यों करेंगे? योर ऑनर, रही बात इस कपड़े के टुकड़े की जो सावियो की टी शर्ट का टुकड़ा है जिस पर खून लगा हुआ है, जब किसी व्यक्ति की गाड़ी से टक्कर होती है तो व्यक्ति जाकर कहीं गिरता है जिसके पश्चात उसका लहू बहता है, तो ऐसा कैसे संभव हो गया योर ऑनर कि इस कपड़े पर लहू पहले से लगा है और कपड़ा गाड़ी के बंपर पर अटका हुआ? मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते हैं कि सावियो के मरने के बाद किसी और ने आपके दोस्त को फंसाने के लिए उस गाड़ी पर कपड़ा लगाया? योर ऑनर, मैं तो केवल प्रश्न उठा रहा हूं। एक और बात पर मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपघात स्थल से 100 मीटर की दूरी पर रोड वर्क चल रहा था योर ऑनर, रास्ते बनाने का काम चल रहा था जहां पर ताजा ताजा डांबर डाला गया था। तो ये मिस डिसूजा कि अगर गाड़ी उस डांबर वाले पथ पर चलती जहां ताजा डांबर डाला गया था तो थोड़े कुछ डांबर के कण गाड़ी के टायर पे तो लगते। आपके दोस्त की गाड़ी? हाँ, मेरे दोस्त की गाड़ी। ये स्थापित हो चुका है मिस डिसूजा कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। आपके बार बार कहने से हमारी दोस्ती और गहरी नहीं हो जाएगी। योर ऑनर, आपकी मेज पर जिलमिल जवेरी के गाड़ी के चित्र रखे हैं जिससे प्रमाणित होता है कि इनकी गाड़ी के टायरों पर डांबर के निशान हैं ही नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि इनकी गाड़ी उस दिन उस रास्ते पर चली है। तो फिर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई और गाड़ी थी? मिस्टर पाठक, शायद आप भूल रहे हैं कि पूरे गोवा में ऐसी एक लौटी गाड़ी है जो कि आपके प्रिय दोस्त जवेरी जी की। मैं आपकी बात नहीं मानता मिस्टर सुसा, मुझे पूरा विश्वास है कि हूबहू वैसी गाड़ी गोवा में एक और भी है। मिस्टर जेम्स सिक्वेरा की याद? लेकिन उनके बेटे ने तो वो किसी था? हाँ हाँ, हम जानते हैं उनके बेटे ने एंटोनियो ब्रेगंजा नामक एक व्यक्ति को बेच दी थी जो वो गाड़ी अपने साथ इटली ले गए थे, किंतु ये केवल एक कहानी है। योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि मिस्टर ब्रेगंजा वो गाड़ी इटली नहीं लेकर गए थे, वो गाड़ी गोवा में ही है। आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉल उन्हें लगाऊं। इजाजत है। मिस्टर ब्रेगंजा, मैं गोवा से केडी पाठक बोल रहा हूँ। जो बात आपने मुझे सवेरे बताई थी कृपया अदालत को बताएं। गुड डे एवरीवन, मेरा नाम एंटोनियो ब्रेगंजा है और मैंने ही मिस्टर एरिक स्क्वेरा से वो 1958 की वाइट वॉल्सली कार खरीदने की बात करी थी। मैंने 20% पेमेंट भी कर दिया था और सारे ट्रांसफर पेपर पे साइन भी कर दिए थे। पेपर वर्क पूरा हो गया था लेकिन गाड़ी बाय शिप भेजने से एक दिन पहले मिस्टर एरिक ने अपना माइंड बदला और मुझे मेरा एडवांस भी वापस कर दिया। शायद उनको ये गाड़ी बेचनी नहीं थी। ऑर्डर, ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, यू कैन आस्क हिम। जिसका ये अर्थ है मिस्टर ब्रेगंजा कि वो गाड़ी कभी इटली गई नहीं, यहीं है गोवा में। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Mr. Pathak, if you really don't mind me asking you this, क्या ये original Mr. Brigenza है या फिर आपने ही किसी? नहीं, आप कहें तो मैं उनका passport scan मंगवा लूँ। No, no, tell me, I can do it. No, no, it's okay. जो? आप पर पूरा भरोसा है Mr. Pathak मुझे। वो क्या है ना, पुराने संबंध जो है हमारे। Right, right, right. Your Honor, अब तो Mr. Eric Sequeira ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हाँ Mr. Sequeira, तो बताइए उस गाड़ी के बारे में, क्यों नहीं बेची आपने? मेरी छोटी बहन सुजैन की जिद पर मैंने वो कार नहीं बेची। सुजैन, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये कार नहीं बेचने दूंगी। ये कार डैड की आखिरी निशानी है। तुम जानते हो ना कि इस कार में डैड की आत्मा बसती है। हाँ सुजैन, ये सब बकवास है। वो कार डैड की, वो कार डैड की जान है और उनके मरने के बाद वो कार उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुजैन, सुजैन मेरी बात, सुजैन, सुजैन बिल्कुल ठीक कहती थी। वो कार मेरे डैड के लिए सब कुछ थी। इनफैक्ट मैं और सुजैन तो उनकी लाइफ में पिछले 25-30 सालों से थे।
जबकि वो कार उनकी लाइफ में पिछले 50 सालों से थी, उनकी असली औलाद। कहाँ है अभी वो कार? वो कार अभी भी गोवा में ही है। ये बात आपने पुलिस से क्यों छिपा कर रखी? क्योंकि मैंने और सुजैन ने उस कार को एक ऐसी गैर कानूनी जगह पर रखा है जहां हम किसी को बता नहीं सकते थे, पर पुलिस को आज मैं वहां लेकर जा सकता हूं। वो गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान में दफन है। जी हाँ, डैड की कब्र के पास। आइए ये देखिए, ताकि मरने के बाद उनकी गाड़ी उनके पास रहे, इसलिए हमने रातों रात यहाँ के लोगों को घूस देकर ये काम करवाया। सर खोदे यहाँ पर? हाँ खोदो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस खटारा गाड़ी का सेवियों के खून से क्या वास्ता है। इंस्पेक्टर सलगांवकर, सावियों की हत्या झिलमिल की गाड़ी ने नहीं, उसके जैसी किसी और गाड़ी ने की, और गोवा में अगर उसके जैसी कोई गाड़ी है तो वो यहाँ तभी हुई है। जब तक हम देख नहीं लेंगे ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। खोदो। कार कहाँ गई? यही तो दफन की थी। ये देखिए, ये है उसकी रिम कैप। इसका अर्थ ये होता है कि गाड़ी यहाँ थी। अगर गाड़ी यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? वहाँ क्या है? गाड़ी के टायर के निशान है। Not possible, sir. ये गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे जा सकती है? अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि गाड़ी की सिर्फ एक ही चाबी है जो मेरे पास है। ये देखिए। तुम्हारा मतलब है वो गाड़ी बिना चाबी और बिना ड्राइवर के यहाँ से गई है? वो कार अपने आप यहाँ से निकली है। आप यहाँ से निकली बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए। उस कार में मेरे डैड की आत्मा है सर। कातिलों से बदला ले, कातिलों से बदला ले। कहानी तो अब शुरू हुई है सर। शुरू हुई है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल हो गई हो? गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे निकल सकती है? ये सच है, और तुम भी जानते हो। उस कार में डैड की आत्मा है, और जब तक वो अपने कातिलों से बदला नहीं ले लेते, बदला नहीं ले लेते, वो कार गोवा की सड़कों में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links below, and enjoy watching the videos.